सब्सक्राइब कीजिए मेरे इस चैनल को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को ये लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए सबसे पहले। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपको मेरे इस चैनल में जिसका नाम है जेके ऑल इन्फो। यहाँ पे इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो ग्रेजुएट लेवल की पोस्ट होंगे जेके एसएसबी के। जी हाँ फ्रेंड्स, जेके एसएसबी के जो ग्रेजुएट लेवल पोस्ट होंगे तो उनके लिए जो सिलेबस क्या होगा यहाँ पे डिस्कस करेंगे। उसके साथ में जो सब इंस्पेक्टर फाइनेंस का सिलेबस है यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और साथ में इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे है कि हम एक सीरीज जो अभी चला रहे हैं, जैसे अभी आज जो है इससे पहले का जो अकाउंटेंट एस्टन का सिलेबस डिस्कस किया जेके एसएसबी का, तो फ्रेंड्स अगर आप जेके एसएसबी की अभी तैयारी कर रहे हो किसी भी पोस्ट के, तो यहाँ पे ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। क्योंकि हम जो एक सीरीज चला रहे हैं सिलेबस के रिगार्डिंग, अभी सिलेबस की रिगार्डिंग अभी चल रही है, जैसे आज हम बात करेंगे ग्रेजुएट लेवल के पोस्ट जो भी होंगे उनका सिलेबस क्या होगा फ्रेंड्स, और उसके बाद हम बात करेंगे 10+2 जो लेवल पोस्ट होंगे उनका सिलेबस क्या होगा। उसके बाद जो आगे जो जेके एसएसबी के एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, जैसे कल से जो है 27 जो दिसंबर है, अभी 1700 जो पोस्ट है उनके लिए कल से अप्लाई आप कर सकते हो, तो उनके रिगार्डिंग जो भी पोस्ट यहाँ पे देखने को मिल गया या और भी जो आगे आने वाले पोस्ट होंगे जेके एसएसबी के फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आपको डिटेल सिलेबस, डिटेल जो जानकारी, पोस्ट कैसे अप्लाई कर सकते, कहाँ से अप्लाई कर सकते, ये सब जानकारी आपको यहाँ पे इस चैनल पे मिल जाएगी। तो इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में जो बेल का आइकन है उसको भी प्रेस कर लीजिए, आपको ऐसे अपडेट्स जॉब्स, एजुकेशन एंड स्कॉलरशिप्स के रिलेटेड मिलते रहेंगे फ्रेंड्स। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे पहले बात करेंगे जो है सिलेबस जो है ऑब्जेक्टिव टाइप, यहाँ पे ग्रेजुएट लेवल पोस्ट होंगे, इंपॉर्टेंट बात है ग्रेजुएट लेवल के पोस्ट। और बात करेंगे यहाँ पे ग्रेजुएट लेवल में जो है अभी सब इंस्पेक्टर फाइनेंस, ठीक है फ्रेंड्स, सब इंस्पेक्टर फाइनेंस के जो यहाँ पे पोस्ट आपको देखने को मिले ग्रेजुएट लेवल, यहाँ पे याद रख लीजिए फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट है। तो टोटल नंबर ऑफ मार्क्स यहाँ पे 120 होंगे, जो टाइम होगा टाइम 2 घंटे का यहाँ पे टाइम देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे पहली बात हम करेंगे यहाँ पे फ्रेंड्स जनरल इंग्लिश की, ठीक है। तो उससे पहले आप एक बात याद रख लीजिए फ्रेंड्स, अगर आप जेके एसएसबी की तैयारी कर रहे हो फ्रेंड्स, तो इंपॉर्टेंट यहाँ पे पॉइंट आपको दे रहा हूँ फ्रेंड्स। तो पहली बात है जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जनरल नॉलेज जो जम्मू एंड कश्मीर का होगा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कोई भी एग्ज़ाम हो जेके एसएसबी का, चाहे आप किसी भी लेवल का जैसे 10+2 या ग्रेजुएट लेवल का, आप जीके जो है जम्मू एंड कश्मीर का याद रख लीजिए एक बात। और सेकेंड जनरल इंग्लिश कंप्यूटर से है, कंप्यूटर जो है, और ये मेन पॉइंट्स आपको दे रहा हूँ, तो इनके रिगार्डिंग जो है सेम होता है। बस यहाँ पे आपको जैसे ग्रेजुएट लेवल में थोड़ा सा लेवल ऊपर देखने को मिलेगा, तो 10+2 का लेवल जो है थोड़ा सा नीचे होगा, 10th का लेवल उससे थोड़ा सा नीचे होगा, बट मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कंप्यूटर जो है, इंग्लिश जो है, जनरल नॉलेज जो है जम्मू एंड कश्मीर का, ये आपको हर एक पोस्ट में देखने को मिलेगा। चलो अब स्टार्ट करते हैं ये वीडियो, करें यहाँ पे हम जो ग्रेजुएट लेवल पोस्ट सब इंस्पेक्टर फाइनेंस का यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे। पहले जो है 20 मार्क्स होंगे फ्रेंड्स, टेंसेज, अरेंजिंग ऑफ जम्बलेट सेंटेंस, नरेशंस, मॉडल्स, आर्टिकल्स, कंप्रहेंशन जो है यहाँ पे देखने को मिलेगा। यहाँ पे क्लाजेस है, synonyms, antonyms होंगे फ्रेंड्स, पेयर्स ऑफ वर्ड्स एंड देयर यूज इन मीनिंग जो है मीनिंगफुल सेंटेंस होंगे, एडम्स एंड फ्रेजेस होगा, यूज ऑफ प्रपोर्शंस होंगे, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस आपको देखने को मिलेगा। किस में फ्रेंड्स? जनरल इंग्लिश में जो है 20 मार्क्स इसमें से आएंगे फ्रेंड्स। तो आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे सेकंड में जो है आपको देखने को मिलेगा फ्रेंड्स जो है जनरल नॉलेज विद जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स, ये आपको जो है 20 मार्क्स इसमें से आएंगे फ्रेंड्स। इसमें हिस्ट्री जो है इंडियन हिस्ट्री विद स्पेशल रेफरेंस टू फ्रीडम स्ट्रगल होगा फ्रेंड्स, फर्स्ट इन वर्ल्ड होगा फ्रेंड्स, फर्स्ट इन इंडिया होगा, उसमें से जो है एडवेंचर सपोर्ट्स एंड डिस्कवरीज होंगे, फर्स्ट इन वर्ल्ड एंड फर्स्ट इन इंडिया याद रख लीजिए। पॉपुलर पर्सनैलिटीज़ यहाँ पे देखने को मिलेगा, जैसे पॉलिटिक्स यानी कि साइंटिफिक डिस्कवरीज, जियोग्राफिकल सपोर्ट्स, हिस्ट्री आपको देखने को मिलेगा फ्रेंड्स। उसके बाद हम जो है देखने को मिलेगा फ्रेंड्स, उसके बाद जो हम बात करेंगे जो है द न्यूज़पेपर वर्ल्ड, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो करंट डेलीज एंड वीकलीज ऑफ इंडिया होगा किसमें? द न्यूज़पेपर वर्ल्ड में। उसके बाद लैंग्वेज एंड कल्चर होगा, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होगा यहाँ पे देखने को मिलेगा फ्रेंड्स, जिसमें इंपॉर्टेंट रीजनल ऑर्गेनाइजेशन एंड ब्लॉक्स यहाँ पे देखने को मिलेगा। उसके बाद जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है गोल्स आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद जो है कम्युनिसाइल डिजीज एंड क्योर प्रिवेंशन यहाँ पे देखने को मिलेगा फ्रेंड्स। आज जो है यहाँ पे एनसीडी COVID-19 यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा फ्रेंड्स। तो उसके बाद वर्ल्ड फेमस अवार्ड्स होंगे, द वर्ल्ड सपोर्ट्स होगा, क्लाइमेट एंड क्रॉप्स इन इंडिया होगा। उसके बाद जो है
पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिविजन्स ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद जो है फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट रिवर्स लेक्स इन इंडिया होगा। करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल होगा, यहाँ पे देखने को मिलेगा। एग्रीकल्चर एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। फॉरेन ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट होगा। न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स होगा। तो उसके बाद इन्फ्लेशन, माइनॉरिटी पॉलिसी और फेशियल पॉलिसी, कैपिटल मार्केट्स यहाँ पे देखने को मिलेगा। रोल ऑफ आरबीआई होगा। और उसके बाद जो है इंडियंस ऑटोमेटिक रिसर्च प्रोग्राम यहाँ पे देखने को मिलेगा। उसके बाद जो है थर्मल न्यूक्लियर हाइड्रो पावर प्लांट्स इन इंडिया आपको देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे बात करेंगे जो है जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू यूटी जम्मू एंड कश्मीर, 20 मार्क्स इसमें से आएंगे फ्रेंड्स। पहले जो यहाँ पे होगा फ्रेंड्स, पॉपुलर नेम्स ऑफ पर्सनालिटीज एंड देयर अचीवमेंट्स होगा फ्रेंड्स। के बाद वेदर, क्लाइमेट, क्रॉप्स, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट जम्मू एंड कश्मीर, इकोनॉमी एंड कल्चर। उसके बाद फ्लोरा एंड फौना जे एंड के, रिवर्स एंड लेक्स जम्मू एंड कश्मीर, इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन जम्मू एंड कश्मीर, पंचायत राज 1989 अप टू जो है 20 कश्मीर ऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 यहाँ पे देखने को मिलेगा। 20 मार्क्स इसमें से होंगे। तो आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, जनरल साइंस की बात करेंगे, 20 मार्क्स इसमें से भी आएंगे फ्रेंड्स। तो यहाँ पे पहले जो है सोर्स ऑफ एनर्जी होगा, जैसे कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो और इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी फॉर यूजिंग कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। उसके साथ में बायोमास एंड विंड एनर्जी भी होगा फ्रेंड्स। उसके बाद नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, जैसे सोलर एनर्जी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। उसके बाद मैकेनिक्स, रेस्ट, मोशन के बाद जो है वेव एंड लाइट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ एटम आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस आपका उसको जो है बेसिक्स आपको देखने को मिलेगा फ्रेंड्स। के बाद जो है लाइफ प्रोसेस यानी कि न्यूट्रिशन एंड टाइप्स होगा फ्रेंड्स। उसके बाद विटामिन होगा, उसके रिलेटेड जो है डिफिशेंसी यहाँ पे देखने को मिलेगा। उसके बाद इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, इकोसिस्टम होगा, ओजोन लेयर और इसके डिफेक्ट्स जैसे ग्रीन हाउस इफेक्ट, ठीक है। उसके बाद जो है इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर इन लाइफ आपको देखने को मिलेगा। 20 मार्क्स इसमें होंगे। आगे बढ़ते फ्रेंड्स, तो यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट यहाँ पे है जो मेंटल एबिलिटी टेस्ट फ्रेंड्स, 20 मार्क्स इसमें से होंगे। पहले नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, डायरेक्शन सेंस, बुलेट रिलेशंस, मैथमेटिकल रीजनिंग, स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, लॉजिकल रीजनिंग, मेंटल जो रीजनिंग होगा, 20 मार्क्स इसमें से आएंगे फ्रेंड्स। तो आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है कंप्यूटर एप्लीकेशन, 20 मार्क्स इसमें से होंगे। तो फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर साइंस पहला है। उसके बाद जो है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर होगा। उसके बाद जो इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस होगा। उसके बाद जो है ऑपरेटिंग सिस्टम होगा। उसके बाद जो है एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस एसेस एंड पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन होगा। उसके बाद ईमेल एंड इंटरनेट यहाँ पे देखने को मिलेगा फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, ये था ग्रेजुएट लेवल पोस्ट का जो है सिलेबस जेके एसएसबी का। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं 10+2 लेवल के जो भी पोस्ट होंगे जेके एसएसबी के, उनके रिगार्डिंग जो है सिलेबस क्या होगा। फ्रेंड्स, ये वीडियो पसंद आया, इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक करना, और मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।